पुष्पिंदर वर्मा जी, डॉक्टर पुष्पिंदर वर्मा जी। तक के सभी बुजुर्ग, माताएं, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, आज से ठीक 3 दिन बाद आप अपने भाग्य का फैसला करने जा रहे हैं। तकरीबन 18 महीने पहले आप लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इस विधानसभा क्षेत्र से जिसको आपने चुनकर भेजा, उस विधानसभा क्षेत्र में दोबारा उपचुनाव होगा। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता जिसके मन में भविष्य में क्या छिपा है, उसकी जानकारी किसी को नहीं होती। लेकिन जो राजनीतिक आदमी होते हैं, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा पता लगना शुरू होता है। उसमें आपने ना कांग्रेस पार्टी जिसकी सरकार बनने वाली थी उनके प्रत्याशी को चुनकर भेजा, और कोई दूसरी जो राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी थी उनके प्रत्याशी को भी चुनकर नहीं भेजा। इधर आ जाओ, इधर ये बेचारे आगे से डिस्टर्ब हो रही है। तो ये तो जो मैं कह रहा था कि आपने किसी प्रत्याशी के, किसी भी पार्टी के प्रत्याशी को चुनकर नहीं भेजा, आपने आजाद प्रत्याशी को चुनकर भेजा। और वो आजाद प्रत्याशी से आपने ये आशा लगाई होगी जिस भी पार्टी की सरकार बनेगी वो आजाद प्रत्याशी उसका समर्थन करके अपने काम करवाएगा। होता है जब चुन लिया गया तो होता, फिर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने 14 महीने में ही अपने जिला के मुख्यमंत्री के खिलाफ षड्यंत्र रचा और मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाने के लिए जुलाई में ये षड्यंत्र रचा गया। मैंने उसको बुलाकर समझाया, कहा आप मेरे जिले से हैं, आप ये मत करिए, इससे जिले को भी नुकसान होगा और आपकी विधानसभा क्षेत्र को भी नुकसान होगा। मुझसे मेरे साथ भी प्रत्याशी कांग्रेस के सुरेश कुमार जी ने कहा कि मुख्यमंत्री बनने के बाद पहला दौरा मेरे विधानसभा क्षेत्र में होना चाहिए। मैंने उस समय सुरेश जी की बात नहीं सुनी, मैंने आपका जो बिके हुए प्रत्याशी है यहाँ से, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कमल को खरीदा है, उनकी बात को माना और पहली रैली हमीरपुर के गांधी चौक में की। प्रार्थना भी की गई कि आप मेरे घर पर आना और सुबह का नाश्ता करना। मैं इंदौर में भी अपने घर नहीं किया, उनके घर में आया और उनके साथ बैठकर नाश्ता किया। यही सम्मान होता है। और जो काम उन्होंने बताए इन 14 महीने में, जो भी काम उन्होंने बताए मैंने करने की पूरी कोशिश की। फिर ऐसा क्या अनपढ़ा कि वो इस्तीफा देकर देना चाहते हैं। कांग्रेस के 6 विधायकों ने बगावत की, उनकी बात समझ में आती है क्योंकि कुछ लोग उसमें से सत्ता की कुछ भागीदारी या मुख्यमंत्री पद प्राप्त करने के लिए बगावत कर रहे। और मैं उनसे भी ये कल्पना नहीं कर सकता था कि जिस पार्टी के चुनाव जीत पर आप जीत कर आए हैं, उस पार्टी के लिए उस पार्टी की पीठ में छुरा घोंप, उस
उससे भी कल्पना नहीं कर सकता। और दूसरा, आपके जिले का मुख्यमंत्री बना है, ये तो पूरे जिले के साथ उन लोगों ने गद्दारी की, पर इस क्षेत्र के विधायक को क्या जरूरत पड़ी थी कि वो इस्तीफा देते? मैंने काम नहीं किया, मान लीजिए मैं काम नहीं किया, मुझ पर आरोप लगाकर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी हमारे काम नहीं करते थे, मेरे विधानसभा क्षेत्र का विकास नहीं करते थे। अगर मैं उनके विधानसभा क्षेत्र का विकास नहीं करता था तो जो हमीरपुर का बस अड्डा है, 15 साल से झूमल साहब ने उसका शिलान्यास किया हुआ था, हाँ जी, लेकिन एक पैसा भी बजट में नहीं था। जयराम ठाकुर जी 2017 से 22 तक मुख्यमंत्री रहे, जयराम ठाकुर ने भी एक भी पैसा उस मुख्य बस्तर के लिए नहीं दिया। और देखिए, जयराम ठाकुर जी ने इस जिला से, जिस जिला से मुख्यमंत्री होते थे, दीवान साहब एजुकेशन मिनिस्टर होते थे, यहाँ के लोकल विधायक नरेंद्र ठाकुर जी चुनाव जीते हुए थे, कमलेश कुमारी भोरल से चुनाव जीती हुई थी, फिर भी कोई मंत्री नहीं बनाया जिसने बीजेपी का कमल पहली बार हिमाचल प्रदेश सरकार में खिलाया। पहली बार बीजेपी का अगर किसी ने सरकार बनाई तो प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल से जयराम जी ने 5 साल में एक भी मंत्री नहीं बनाया। मेरे मुख्यमंत्री बनने के बाद मैंने उस बस स्टैंड के लिए 65 करोड़ रुपया दिया और युद्ध स्तर पर उसका कार्य शुरू किया। ये हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र का विकास कार्य नहीं था। इस हमीरपुर जिला में कोरोना फैला, मुझे ये बात इसलिए कहनी है, टेस्टिंग की मशीन नहीं थी, आपके टेस्ट टाटा जाते थे। मेरे दिल में मेरे जिले के लिए पीड़ा थी, मैंने 35 लाख रुपए देकर हमीरपुर जिला में कोरोना टेस्ट किया। जब मैं मुख्यमंत्री नहीं था, जिला का एक छोटा सा एक विधायक था और सारे कोरोना के टेस्ट यहाँ होने लगे, मंडी के नेर चौक में होते थे या कांडा में होते थे। जब जिले पर मुसीबत आई, हमने उस मुसीबत को पहचाना, कोरोना की टेस्टिंग मशीन के लिए RTI जा सकते हैं, हमने 35 लाख रुपए, क्योंकि हमारे मन में पीड़ा होती है। पर यहां पता नहीं कहां से जो भी राजनीति में आता है वो राजनीतिक षड्यंत्र करके इस जिला के विकास को रोकने की कोशिश करता है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, यहां के विधायक धोखा दे रहे हैं और शिमला जिला के साथ तो विधायक मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे। सुरेश कुमार जी भी कंधे से कंधा मिलाकर चले, ऐसी बात नहीं है। सुरेश जी MLA बनने के लिए सर से बने, आप लोगों ने बनाया। मुख्यमंत्री को जब उसके जिले से MLA होते बहुत हौसला होता, वैसे ही पैसे का प्रभाव पड़ जाता, अधिकारी अपने रूप से ही पैसा देना शुरू कर देते। 6 उपचुनाव हुए, जयराम ठाकुर जी बार बार कहते थे कि 4 जून को हमारी सरकार बनेगी। हम भी हिसाब लगाते थे कि जयराम जी का कौन सा हिसाब किताब है। पता चला कि जयराम ठाकुर जी ये सोच रहे थे कि हम 6 की 6 विधानसभा सीटें जहां उपचुनाव हो रहे जीत जाएंगे,
अरे भले मानो सो आपके पास 25 सीटें हैं, अगर आप 6 भी जीत जाते तो भी 31 होते, कैसे आपकी 4 जून को सरकार बनेगी। विधानसभा चुनाव क्षेत्रों में हमें विजय दिलाकर जहां हमें 34 से 1 सीट करती थी चाहिए थी 38 कर दी और कहा कि 3.5 साल और सरकार दी। और 3.5 साल अभी हमारी सरकार है, ये इस्तीफा क्यों दिया गया? उन्होंने कहा ये इस्तीफा विक्रमादित्य जी यहाँ आए, इनका भी आप स्वागत कीजिए। उनसे पूछा गया, स्पीकर महोदय ने उसे चिट्ठी देकर पूछा कि आप आजाद प्रत्याशी आप क्यों इस्तीफा दे रहे हैं? बार बार एक हुआ है कि मुख्यमंत्री जी हमारे काम नहीं करते, ये बात मान भी ली जाए तो आप बीजेपी के साथ बैठ सकते थे। और देखिए इस्तीफा देने के लिए और आपको एक और बात बताऊं मैं कि इस्तीफा देने से पहले अध्यक्ष महोदय ने इन्हें अपने पास बुलाया, बैठाया कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, आप इस्तीफा वापिस ले लीजिए। 3 महीने तक, 3 महीने तक इनको समझाने का काम किया, लेकिन अहंकार इतना, किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थे। और जब इस्तीफा दिया तो मुझे लगता है कि कसौटा के पंचायत के लोगों को जोर पूछा होगा, पूछा आपसे इस्तीफा देने के लिए, महिलाओं से पूछा? जब इस्तीफा देने के लिए नहीं पूछा तो भी क्यों इस्तीफा दिया? शर्म करो। ये वो लोग हैं जो इस्तीफा देने के लिए जनता को पूछते नहीं है, लेकिन उस जनता से जिनका वोट लेना होता है उनके पास जाकर बेशर्मी से वोट मांगते हैं। और इस्तीफा देने के लिए हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र की मांगों को लेकर धरना दिया तो अच्छा होता। धरना किस चीज के लिए दिया? हमारा इस्तीफा स्वीकार करो। कभी इस्तीफा स्वीकार करने को धरना हिंदुस्तान में कहीं सुना आपने किसी एमएलए ने दिया होगा? कभी इस्तीफा स्वीकार करने के लिए हाई कोर्ट में गए? कभी हाई कोर्ट में आपकी समस्याओं को लेकर जा सकते थे, आपकी समस्याओं को लेकर धरना दे सकते थे, ये बचित्री बात होगी। हमने पूछा, जब हमने देखा तो ये पता चला कि जो अमीर व्यक्ति होता है, जब कोई अमीर व्यक्ति होता है वो अमीर व्यक्ति अहंकारी होता है, लालची होता है। आम आदमी, गरीब आदमी, किसान स्वाभिमानी होता है, वो अपने आत्म सम्मान को कभी नहीं बेचता, अपने ईमान को कभी नहीं बेचता। अमीर अहंकारी होकर अपने ईमान को बेच देता है, पता चला कि सौदेबाजी हुई है। और उस सौदेबाजी में जब तक इस्तीफा स्वीकार नहीं होता तब तक जो दूसरी किस्त थी वो नहीं मिलनी थी, और इस्तीफा स्वीकार हो गया तो दूसरी किस्त लेके आएगी।
हमारी पूरी नजर है कई बैंकों में सबकी जमा करवाएंगे और जब भी बैंकों में जमा करवाएंगे हमारी बैंकों पर नजर गड़ी हुई है, लेकिन इस पैसे का इस्तेमाल वो दोबारा से चुनाव जीतने के लिए करेंगे। अगर आपने इस्तीफा देना था और हम आपका काम नहीं करते थे, आपको अगले 3.5 साल के लिए चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की सरकार है और 3.5 साल तक हमारी सरकार चलेगी। हमारी सरकार में जो मुख्यमंत्री और 3.5 साल तक आगे रहेंगे तो कौन आपका काम करेगा, कौन आपका काम करेगा? अगर गलती से जीत गए फिर क्या करोगे? फिर वही बात रिपीट करोगे कि हमारे काम के लिए हम इस्तीफा देते हैं? पहले तो ऐसी गलती होगी नहीं। आप किस प्रकार जनता के पास जा रहे हैं कि हम विकास करवाएंगे? ना आपकी सरकार बनने वाली है और ना ही कांग्रेस की सरकार अब हटने वाली है 3.5 साल तक। आपके पास किस मुंह से वोट मांगने आ रहे हैं? ये बेशर्मी की बात है कि जिसके खिलाफ आपने इस्तीफा दिया उसके खिलाफ अगर आप जीत गए तो काम कैसे करवाओगे? ये धोखे है, ये अपना ईमान बेचकर जनता की अदालत में आए हैं और ये सोचकर बात करते हैं कि हमारे पास पैसा बहुत है। किसी को रेत का ट्रक चाहिए, किसी को सीमेंट की बोरियां चाहिए, ये तो छोटी बात है, अब तो काफी पैसा आ गया। अब जब आपका पैसा है, क्योंकि उनकी कीमत तब लगी जब वो आपके वोट से चुनकर विधायक बने, आपके वोट से चुनकर विधायक बने तब उनको राजनीतिक मंडी में वो दिखे। ऐसे लोगों को आपको सबक सिखाना है और हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र से एक आवाज आनी चाहिए जिसने अपने मुख्यमंत्री को धोखा दिया है, जिसने अपना ईमान बेचा है, जो राजनीतिक मंत्री में टिका है, वो कभी आपका सच्चा सेवक नहीं हो सकता, वो कभी आपकी सेवा नहीं कर सकता। उसकी नियत में खोट है, उसकी बदनीयत से वो राजनीतिक रूप से आप लोगों का वोट हासिल करके सत्ता की ताकत प्राप्त करना चाहता है। पिछले 14 महीने में क्षेत्र का विकास नहीं किया, अपना विकास पूरा किया। बैंकों बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, 140 करोड़ रुपए के टेंडरों का हिसाब पिछले कल हमारे प्रवक्ता ने रखा, आरटीआई डाल दीजिए और यहाँ थोड़ा बहुत दान करके बड़े दानवीर बने हैं। पर्दे के पीछे क्या है, इनकी सोच प्रदर्शित होती है। आपके भविष्य के लिए, युवाओं के भविष्य के लिए ऐसे लोग राजनीतिक बुराई है। आज हम मुख्यमंत्री या कल नहीं होंगे, लेकिन ऐसे लोग आपका प्रतिनिधित्व करेंगे तो समाज का कभी भला नहीं होगा। जिस राजनीतिक बुराई का अंत आप लोगों को करना है, आपको लड़ना है और इस लड़ाई में आपको आगे आना है, आपको सबक सिखाना है। जिसने आपके वोट को बेचा, जिस दिन ये वोट की कीमत कमजोर हो जाएगी उस दिन कोई मुख्यमंत्री मंत्री आपके पास नहीं आएगा, क्योंकि जब पता लगेगा कि वोट को खींचने वाले ये सब दलाल जो है, जो राजनीतिक रूप से आपके पास बहुत रुपया बनकर आ रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को आपको समझ करना है। ये झूठ बोलते हैं, बेईमान बहुत रुपया बनकर ईमानदारी का नाटक करता है। ऐसे नाटकबाजी और नौटंकी वालों को आप सबक सिखाइए। सिखाएंगे भी नहीं सिखाएंगे, पक्का सिखाएंगे, इतनी देर नहीं बोला थी। आप लोगों को सबक सिखाना है और इसलिए सबक सिखाना है ताकि भविष्य में कोई ना बिगड़े।
हमने एक आपके साथ ऐसा प्रत्याशी दिया है जो डॉक्टर थे, जिन्होंने जो डॉक्टर थे जिन्होंने अपने नौकरी छोड़कर राजनीति को चुना। डॉक्टर साहब दर्द भी जानते हैं, आपके दर्द को बांटने का कोशिश भी ये करते आए हैं। 14 महीने में हमारे साथ रहकर काम कर रहे हैं, एक ईमानदार छवि है। आप इस विधानसभा क्षेत्र से इनको जिलाकर भेजिए, हमीरपुर के मुख्यमंत्री के हाथ को मजबूत कीजिए। हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र में जो थोड़ी बहुत समस्या रही है उनका निराकरण करने का दायित्व आपके जिले के मुख्यमंत्री का भी है। तो डॉक्टर साहब को हम जिताएंगे कि नहीं जिताएंगे? हाथ खड़ा करके तो साथ पक्का जिताएंगे। तो सोचता है वो झिगड़ा को जाने के बाद से पूछ रहा है कि मैं वोट पे आपको जिताना है। ये लोग कोई ना कोई नाटक करके आपसे फिर सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को सबक सिखाना है। 12 महीने में हमारी सरकार ने आपके हित के लिए काम किया, क्या कोई सोच सकता था 70 साल के ऊपर के बुजुर्ग के लिए हम 25 लाख रुपए मुफ्त इलाज की योजना लेकर आए। 1,36,000 सरकारी कर्मचारियों को हमने ओल्ड पेंशन स्कीम दी। अनाथ बच्चों को 27 साल तक की सारी पढ़ाई का खर्चा हमारी सरकार उठाएगी। गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए 1% ऋण पर 20 लाख रुपए हमारी सरकार देगी। अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब को जिताओ। डॉक्टर साहब के जिताने की बात नहीं है, उससे आगे एक और बात है। इस राजनीतिक बुराई की जो धनवान व्यक्ति जो होता है वो अहंकार में ये भूल जाता है कि उसके भी जमीन जो है नीचे से खिसक रही है, उसको सबक सिखाना बहुत जरूरी है। इस लड़ाई को आपको जीतना पड़ेगा और इस लड़ाई में जनता जीतेगी, जनमन जीतेगा और जनमन जो इन्हें बोल रहा ना, जो इन्हें दुनिया खड़ी के मैं बोल रहा जनमन जीतेगा तो सब बोलना जनमन जनमन जीतेगा और जनमन हारेगा। जनमन जनमन यही मैं कहना चाहता हूँ।